रेस्पेक्ट इज समन दैट्स अर्न नॉट डिमांडेड टूडे इज नाइन्थ ऑफ जून टू थाउजेंड ट्वेंटी टू लेटस डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिकोर्टी थ्री साइंस के सवाल हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट करेक्टली मैच्ड ऑटोड्रॉफ हिटेड्रॉफ सैप्रोड्रॉफ एंडी वो क्लोव आर ऑप्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोविंग पार्ट ऑफ द प्लांट

Perseverance का मतलब होता है धैर्य परसिस्टेंस टेनेसिटी डिटर्मिनेशन एडलिप मतलब होता है बिना तैयारी के विदाउट प्रिपरेशन impromptu. प्रम्पटू फ्लैबरगास्ट का मतलब होता है हैरत में डालना सरप्राइज समवन ग्रेटली astonished. पिटेंस मतलब होता है अल्प भाग वेरी स्मॉल अमाउंट अ टाइनी अमाउंट insufficient amount. अमाउंट

क्विज़ है है ये फोर और यहां पे दिया हुआ है, आपको परसेंटेज बताना है एनी मैगज़ीन सो जून आर टू क्वेश्चंस ट्वेंटी टू फर्स्ट जो न्यूज है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का मैंडेट होता है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन मतलब महंगाई कीमतों में बढ़ोतरी इन्फ्लेशन को फोर प्लस माइनस टू परसेंट ब्रैकेट में रखना तो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ने नोटिस किया कि इन्फ्लेशन सिक्स परसेंट से भी ऊपर जा रहा है चाहे वो रिटेल इन्फ्लेशन हो या फिर होलसेल सेल इन्फ्लेशन हो तो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी अभी वॉर फुटिंग पे वर्क कर रही है इस इन्फ्लेशन को टेम करने का कम करने का इन्फ्लेशन क्यों होता है इन्फ्लेशन के दो फैक्टर्स होते हैं एक होता है डिमांड साइड दूसरा होता है डिमांड साइड एंड सेकेंड होता है से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है कॉस्ट पुश मतलब जो रॉ मटेरियल है उसका रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया तो कॉस्ट पुश होता है कॉस्ट पुश से सप्लाई साइड एंड डिमांड पुल होता है डिमांड पुल से डिमांड कितनी हो रही है डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है तो आर बी आई रेजेज रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन फॉर पास्ट टाइम ये हो रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इजी लिक्विडिटी इजी मॉनिटरी पॉलिसी अपना रखी थी बिकॉज ऑफ दैट इजी लिक्विडिटी था खूब सारा पैसा था पैसा ज़्यादा था लिक्विडिटी ज़्यादा थी तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन बढ़ा ये पॉलिसी इसलिए अपनाई गई थी ताकि जो इकोनॉमिक रिकवरी है वो हम इंश्योर करा पाए बट अब कोविड 19 भी इकोनॉमिक रिकवरी नज़र आ रही है प्लस इन्फ्लेशन का ये मॉन्स्टर बन गया है सो दैट इज वाई आर अब फिर से टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ मूव कर रही है तो सी रिमेनिंग फ्लैट एट फोर फ्रॉम ट्वेंटी ट्वेंटी मे टू अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रेपो रेट द रेट एट विच आर बी आई लैंड टू कमर्शियल बैंक इज शोइंग अ राइजिंग ट्रेंड

In a bid to slow inflation, which it estimates will average 7.5 in the current April-June quarter, so this figure is very high, and because of this high figure, jo savings hain जो सेविंग्स हैं वो hai हो रही है mein पर्सन डिसएडवांटेज में है पेंशनर्स डिसएडवांटेज में सो दैट इज़ वाई इसको करेक्ट करने के लिए पेंशन करेक्ट करने के लिए ये मूव है तो बोरोविंग कॉस्ट अब इससे बढ़ेगी लोन लेना महंगा होगा एमएसएमई फर्म्स को कैपिटल रेज करना मुश्किल होगा मुश्किल इन द सेंस बिकॉज टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी तो अभी तक जो अकोमोडेटिव था अब वो टाइटर मॉनिटरी पॉलिसी की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा है दिस इज़ द प्राइमरी रीज़न और इन्फ्लेशन बढ़ने के रीज़न्स क्या है जैसे कि वॉर हुआ यूक्रेन में सप्लाई शॉक्स हुआ कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन के कारण बट वी हैव स्टार्टेड अ ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली विदड्रोवल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकोमोडेटिव इंस्टीट्यूटेड ड्यूरिंग द पैंडमिक तो पैंडमिक के टाइम पे जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स थे सेल्फ रिलायंट इंडिया के अंदर उससे अब हम ग्रेजुअली विड्रॉ कर रहे हैं बाकी ग्रोथ का फोरकास्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लेशन एट्सेट्रा ग्रोथ का जो जी डी पी नंबर है ये भी इम्पैक्ट होंगे सो दिस इज़ आर बी आई रेजेज रेट्स टू टेम इन्फ्लेशन जी एस टी इज़ अ रिफॉर्म इन सोलवेंसी बैंकसी कोड इज़ ऑल्सो रिफॉर्म जब क्लाउड्स रिसीड होंगे मतलब अभी डार्क क्लाउड्स हैं इन्फ्लेशन वॉर पैंडमिक एट्सेट्रा जब ये डार्क क्लाउड्स दूर होंगे तो जो जी एस टी के रिफॉर्म्स हैं आई बी सी के रिफॉर्म्स हैं ये इंडिया को काफी हेल्प करेंगे ये बात कहा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन जी ने वी अनंत नागेश्वरन हु इज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जीएसटी आईबीसी विल पुश ग्रोथ वंस क्लाउड्स रिसीड मास्क्स मैंडेटरी हो रहे हैं फॉर एयर ट्रैवलर्स सी पिछले कुछ एक हफ्ते में कोविड के बहुत केसेस आ रहे हैं डीजीसीए डायरेक्टिव फॉलोस कोर्ट ऑर्डर सो वैक्सीनेशन इज अ मस्ट साथ ही साथ वैक्सीनेशन के साथ ही साथ कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करना जरूरी है Then, this is India -Iran relations. India -Iran, जो पहले पर्शिया होता था एक टाइम पे इंडिया एंड ईरान के जो सिविलाइजेशन है इसके एंशियंट रिलेशन हैं कॉन्टीन्यूटी रही है तो इसी चीज को यहाँ पे रिइट्रेट किया गया है मिथाली राज अनाउंसेज रिटायरमेंट वर्ल्ड लीडिंग बैटर इन वुमेन्स क्रिकेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पोर्ट्स पर्सन तो अभी रिटायरमेंट लिया है इनके बारे में आगे हम पढ़ते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन सेंटर ऑन 1400 वैकेंट नीट एंड पीजी सीट्स नाउ दिस इज अ कॉज ऑफ वरी सीरियस वरी सीट्स आपकी वैकेंट है तो उधर एडमिशन ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है सीट्स अगर अपने पास वैकेंट है बिकॉज़ ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड रियलिटी ये होती है कि सीवियर शॉर्टेज है हमारे पास डॉक्टर्स का मेडिकल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का नॉट ओनली डॉक्टर्स अगर आप फौज की बात करो तो ऑफिसर्स की भी सीवियर शॉर्टेज है अगर आप सिविल सर्विसेज की भी बात करो इस बार भी कम है नंबर ऑफ़ सीट्स कम थी 2021 में 2022 में ऑलरेडी थोड़ी सीट्स बढ़ी है बट सीवियर शॉर्टेज हो रहा है सिविल सर्वेंट्स का भी सो वी नीड टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ दिस वैकेंसी और जो वैकेंसी है उसको टाइमली फिल करना भी ज़रूरी है और जो रिजल्ट्स होते हैं इनका भी टाइम पे डिक्लेयर करना बहुत जरूरी है ये नहीं कि एक एग्जाम साइकिल तीन से चार साल चल रही है दिस इज नॉट राइट इन्फ्लेशन लॉन्ग शेडो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज फाइनली एक्टिंग टू रीन इन गैलपिंग प्राइसिस इन्फ्लेशन को टेम करना तो इन्फ़्लेशन बहुत ज़्यादा है इसको चेक करना है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पढ़ा हमने इन्फ्लेशन पहले भी काफ़ी बार पढ़ रखा है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे भी हमने नोट मेकिंग किया है सी हैव सम पेशेंस अभी फिफ्थ ऑफ जून को आपका एग्ज़ाम हुआ है टेक अ ब्रेक रेस्ट करो प्लान करो रेस्ट करो रिकवर करो रिचार्ज करो अभी आपका से पीएससी वगैरह के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लिख रहे हैं तो लेट अस वेट फॉर सम टाइम इसके बाद हम ट्वेंटी ऑफ़ जून से ट्वेंटी जून से वी विल स्टार्ट फुल थ्रोटल मेन्स स्पेशल एट्सेट्रा विल कंटिन्यू हम इसको कॉन्टिन्यू करेंगे हैव सम पेशेंस ओके इन्फ्लेश लॉन्ग शेडो तो ये एम पी सी हुआ ये रिमेन अकोमोडेटिव हुआ नो लॉन्गर इंटेंडेड टू रिमेन अकोमोडेटिव अब टाइटर होगा तो बिकॉज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अब देखो फैक्टर्स यहाँ पे भी सेम फैक्टर्स है वॉर इन यूक्रेन हुआ इससे कॉमोडिटी प्राइसेज हो गया आगे इसको देखते हैं कि इस वॉर के कारण किन कॉमोडिटी का प्राइसेस है हीट वेव के कारण राबी क्रॉप का आउटपुट कम हो गया एडिबल ऑयल का प्राइसेस ज़्यादा है क्रूड प्राइ क्रूड क्रूड का प्राइसेस भी ज़्यादा है डोमेस्टिक पंप प्राइसेस फ्यूल तो एक्चुअली जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है उसको पास ऑन कर दिया जाता है एंड यूजर पे इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ बढ़ गए हैं कोल का शॉर्टेज है मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फर्म्स फ्लैगिंग इनपुट एंड आउटपुट प्राइस प्रेशर तो लॉकडाउन ओवर होने के कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी सडन आया है पेंटअप डिमांड को रिलीज करने के लिए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी है और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन दोनों का ये डेडली कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन गया है देन ख़ारिफ की क्रॉप्स हैं ख़ारिफ की क्रॉप्स में भी सी रेन्स अगर टाइम पे मॉनसून होता है स्पेटियल टेम्पोरल करेक्ट होता है तो ख़ारिफ बेटर होगा मॉनसून बेटर होगा तो हमारी इकोनॉमी बेटर करेगी बाकी हेडविंड्स भी हैं इन्फ्लेशन के कारण जो परचेजिंग पावर है कंज्यूमर्स का वो डिटीरियोरेट होता है इरोजन होता है वर्ल्ड बैंक ने बताया ग्रोथ फोरकास्ट कम किया स्टेट्स को भी जरूरी है कि वो सॉफन करें इन्फ्लेशनरी प्रेशर जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्साइज ड्यूटी कम किया था पेट्रोल डीजल पे स्टेट्स को भी अपनी तरफ से वैल्यू एडिशन टैक्स वैट को कम करना चाहिए इन्फ्लेशन टेम करना इज अ मस्ट सेफ फूड सेफ फूड में जैसे अब कल हमने न्यूज देखा सो दिस इज हाउ वी कवर न्यूज कल ये न्यूज ब्रेक हुआ था कि सेफ फूड क्या होता है फ़ूड सेफ्टी सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है कंज्यूमर एम्पावरमेंट क्यों ज़रूरी है हमने रैंकिंग भी देखा था तमिलनाडु को जैसे फिनिश एट द टॉप सेवनटीन लॉन्ग स्टेट्स फॉर फ़ूड सेफ्टी में स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में तो अच्छे खासे नंबर मिले तो तमिलनाडु ने टॉप किया अब हमने ये भी देखा था एफ जो है ये इंपॉर्टेंट बॉडी है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी फूड सेफ्टी इंडेक्स इवेल्युएट करता है इन सब पैरामीटर्स में अब कल पांच पैरामीटर थे और आज ये पांच पैरामीटर बता दिए गए तो देट इज़ वाई आई से ऑलवेज से कि अगर आप कॉन्टिन्यू रहते हो ना न्यूज़पेपर में आज नहीं तो कल केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ो उसमें सारी चीज़ कवर हो जाएगी हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं पी भी कर लें दो तीन न्यूज़पेपर पढ़ लें इकोनॉमी का सेपरेट न्यूज़पेपर पढ़ लें ई e. भी पढ़ लें देन ऑल इंडिया रेडियो भी पढ़ लें देन जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के हैं उनके बुलेटिन भी पढ़ लें हाउ इज दैट पॉसिबल रीड वन न्यूज़ एंड बैलेंस्ड वे में आप पढ़ाई करो और सिस्टमेटिकली करो ये करो ये आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा ओके okay? तो जैसे देखो ये है एफ एस एस ए आई अब ये पैरामीटर्स यहाँ पे क्या आ गया ह्यूमन रिसोर्सेज इंस्टीट्यूशनल डेटा पैरामीटर नंबर वन कॉम्पलाइंस पैरामीटर नंबर टू फूड टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्वेलेंस ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग एंड कंज्यूमर एम्पावरमेंट तो ये सब पांच पैरामीटर्स के थ्रू ये इंडेक्स बना है तमिलनाडु में ह्यूमन रिसोर्स इंस्टीट्यूशनल डेटा इन सब में अच्छा किया कॉम्पलाइंस फूड टेस्टिंग में भी अच्छा किया ओवरऑल दिस इज़ गुड बिकॉज एक कल्चर बन रहा है फ़ूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का अब यहाँ पे लिबरल असिस्टेंस चाहिए होगा ताकि इसको और आगे हम कैरी फॉरवर्ड करें

दैन विश डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फॉरन पॉलिसी शॉक्स जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होती है उससे फॉरन पॉलिसी शॉक्स भी होता है जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं इनके यहाँ भी काफ़ी डिफ़िकल्टी चल रही है जैसे माइग्रेंट वर्कर इशू चल रहा है अभी यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल है जैसे जो गल्फ़ कंट्रीज़ भी है अगर आप आज से रिवाइन करो फिफ्टी ईयर्स पहले तो गल्फ़ कंट्रीज़ बहुत डिफरेंट हुआ करती थी जो फॉर्चून चेंज हुआ वो हुआ बिकॉज ऑफ दिस ब्लैक दिस इज दिस ब्लैक गोल्ड जो मिला दिस इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल अब क्रूड ऑयल जो है ये क्रूड ऑयल भी डेज़ आर नंबर्ड सो द पॉइंट इज़ ये भी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है प्लस जो फ़ॉरन पॉलिसी होती है इसमें कई बार पॉलिटिकल अपीजमेंट भी होता है डोमेस्टिक ऑडियंस का

Rule of law. That is why हम हमेशा क्या बोलते हैं इंडिया इतना प्राउड क्यों फील करता है? Because we have a constitution. We have a constitution. We are a democracy. Despite being so diverse, so multicultural jo hamara हमारा हिस्ट्री रहा है इसके बाद भी सेवेंटी फिफ्थ ईयर पे हम पहुंच रहे हैं और कॉन्टीन्यूड डेमोक्रेसी रही है ऐसी कितनी कंट्रीज हैं जो इसको क्लेम कर सकती हैं सो द आइडिया इज दिस इज़ आवर स्ट्रेंथ वी शुड बी प्राउड ऑफ़ अवर सेल्व्स वी शुड बी प्राउड ऑफ़ अवर सेल्व्स सो द आइडिया इज रूल ऑफ़ लॉ हमें मेनटेन करना चाहिए रूल ऑफ लॉ जो वर्क होता है इवन गवर्नमेंट्स गवर्नमेंट जॉब्स भी जो होते हैं इसमें वर्क होता है वो नियम के हिसाब से होता है रूल के हिसाब से होता है सो so, कई बार अगर जैसे हम देखते हैं स्पिरिट ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उसको मेंटेन करें तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट प्लस गवर्नमेंट जॉब्स में एक और चीज़ होता है कि इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल इट इज़ नॉट अबाउट हीरोइज़म इंडिविजुअल हीरोइज़्म इट इज़ अबाउट इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंदन करना चाहिए हमेशा इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंदन करना चाहिए इंस्टीट्यूशन इज़ एनी डे बेटर देन एन इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन इज बेटर देन इंडिविजुअल इंडिविजुअल को लाइक like डिफ्लेक्ट हो सकता है बट इंस्टीट्यूशन अगर स्ट्रांग है तो दिस विल कीप एवरीथिंग इन प्लेस सो ऑलवेज इंस्टीट्यूशन इज ग्रेटर देन इंडिविजुअल द कैरेक्टर ऑफ इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स एक ऐसे आया था 2014 के मेंस में आया था आई थिंक 2013 या 14 में आया था। कैरेक्टर ऑफ एन इंस्टीट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स लीडर्स दैन डीलिंग विद द इंडो पैसिफिक इज नॉट ईजी अब ये है इंडो पैसिफिक अभी क्वाड मीटिंग हुआ ऑस्ट्रेलिया यूएसए इंडिया जापान क्वाड समिट हुआ टोक्यो में यह एक नए इंस्टीट्यूशन की बात किया कि एक नया इंडो पैसिफिक का हम जैसे इकोनॉमी आईपीईएफ इकोनॉमी में क्लोज़र कोऑपरेशन के लिए अब इंडो पैसिफिक हम बोल तो रहे नेक्स्ट बिग थिंग है बट यहाँ चीज़ें अभी भी हैं जिसको आयरन आउट करना पड़ेगा तो आई के बारे में यू जैसे बाइडन ने इसको प्रजेंट किया बट इसमें अभी और क्लैरिटी की जरूरत पड़ेगी क्या इंटरेस्ट है इससे पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी हुआ था आर जैसी बातें हुई थी जो फिर मटेरियलाइज नहीं हुई ऑल इंडिया इस बार ज़्यादा कमिटेड दिख रहा है आई के लिए भी बट यहाँ थोड़ा और डिटेल्स विल विल सी सो द आइडिया इज़ जैसे यहाँ पे अभी प्रेजेंट जो सरकम है जैसे कि चाइनीज रशियन फाइटर जेट्स कैरी किए जब ये मीटिंग चल रहा था सी ऑफ जापान ईस्ट चाइना सी में देन अभी जैसे प्रलिम्स में भी आया था सेनकाकू आइलैंड तो इसके अलावा जो यू है यहाँ पर भी डिफिकल्टी है यू में एक रेसिज्म एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी होता है दूसरा गन वायलेंस एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है यूएसए का एक और बहुत बड़ा डिफिकल्टी है कि यहाँ की इकोनमी फ्लैट होती जा रही है दीज आर चैलेंजेस तो यू के भी अपने चैलेंजेस हैं अब बाइडन का एशिया विजिट ये था बिकॉज एशिया जैसा हमने देखा एशिया नेक्स्ट बिग थिंग है नेक्स्ट बिग थिंग और एशिया में भी जो इंडिया है ये वेल well है टू बिकम नेक्स्ट सुपर पावर सो दैट इज़ वाई वी नीड टू प्ले अवर कार्ड्स वेरी वेरी वेल अब ताइवान का इशू होता है जिस तरीके से रशिया ने एग्रेशन दिखाया दिस यूक्रेन में अगर चाइना एग्रेशन दिखाता है ताइवान पे तो यूएसए का क्या स्टैंड होगा ऑल यूएस हमेशा ये बोलता है कि वो डिफेंसिव रहेगा ताइवान के लिए ताइवान को डिफेंड किया जाएगा बट अप टू what एक्सटेंट क्या वन ऑन वन कॉन्फ्रेंटेशन होगा चाइना के साथ यू इतना रिस्क करेगा या फिर प्रॉग्जी वॉर टाइप करेगा जैसे यूक्रेन में हो रहा है तो द पॉइंट इज इंडो पैसिफिक रीजन है देर इज़ नो सीक्रेट अंडर प्रेशर है ईस्ट एशिया वेदर रिपीटेड स्टॉम्स हैं यहाँ पे, जैसे कि साउथ कोरिया एंड जापान फेस रेगुलर न्यूक्लियर एंड मिसाइल थ्रेट्स फॉर फ्रॉम नॉर्थ कोरिया ये नॉर्थ कोरिया अलग ही स्टोरी है इसकी नॉर्थ कोरिया कॉन्टिन्यूअसली टेस्ट करता रहता है कभी न्यूक्लियर मिसाइल थ्रेट्स चाइना चैलेंज कर सकता है इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ को साउथ चाइना सी में कन्फ्रंट कर रहा है जापान को सेनकाकू आइलैंड में छः नेशंस हैं इंक्लूडिंग चाइना एंड ताइवान आर इन्वॉल्व इन द डिस्प्यूट ओवर स्पार्टली आइलैंड साउथ चाइना सी अब स्पार्टली आइलैंड इसलिए इम्पॉटेंट है बिकॉज ये रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस है चाइना विगरसली मिलिटराइज कर रहा है इस एरिया को डिस्प्यूटेड आयल को कोरल रीफ्स को चाइना नए आइलैंड्स बना लेता है और क्लेम करता है नाउ दिस बिलोंग्स टू चाइना फिर कंट्री लाइक वियतनाम फ़िलिपेंस भी एनशियस होती है सो इंडो पैसिफिक इज़ नॉट दैट ईजी यहाँ नेविगेट करना डिफ़िकल्ट होगा इसके बैकड्रॉप में ये है आई तो आईपीएफ में भी और क्लैरिटी आने देते हैं इट्स जस्ट एन आइडिया जो अभी फ्लोट हुआ है लेट अस वेट एंड वॉच प्लस अभी रशियन यूक्रेन वॉर भी किस डायरेक्शन में जाएगी ये भी डिसाइड करेगा और चाइना एंड ताइवान में क्या आगे बात होती है तो फॉरेन पॉलिसी भी है इकोनॉमिक हार्डशिप्स भी है एंड कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज़ जैसे कि डेमोक्रेसीज की भी बात है यहाँ पर इंडो पैसिफिक यह फ्यूचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड है यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है आर्टिकल 44 सब इंडियन है तो एक टाइप ऑफ इंडियन दिस दिस लॉ के थ्रू एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए सिविल कोड मतलब लॉज रिगार्डिंग मैरिज लॉज रिगार्डिंग सक्सेशन लॉज रिगार्डिंग जैसे इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी लाइक जो गर्ल चाइल्ड है या फिर मेल चाइल्ड है किस डायरेक्शन में होगा तो मतलब देर शुड बी अ यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसका बिकॉज डी में है और डी ऐसा होता है कि वो बाध्य नहीं है कि उनको तुरंत ही इंप्लीमेंट करना है तो फ्यूचर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या हो सकता है यहाँ पे ये बातें देन दिस इज रूट वॉक्स इन टू टेन थाउजेंड क्लब एंड मिथाली राज रिटायर्स आगे और इनके बारे में जानते हैं हम एक्सेलेंट स्पोर्ट्स पर्सन देन दिस इज मंकी पॉक्स एक रियल रिस्क है मंकी पॉक्स का स्प्रेड हो रहा है दिस इज मंकी पॉक्स डब्ल्यू एच ओ वार्निंग क्रॉप प्राइसेज में हाइक हुआ है एम एस पी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एम एस पी एम एस पी का अप्रूवल कौन देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर सी सी ई ए इसके चेयरमैन कौन होते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब तो इन्होंने अप्रूवल कर दिया है यहाँ पे एम एस पी का हाइक इन क्रॉप प्राइसेज कोल प्रोडक्शन बढ़ा है सेवेंटी वन पॉइंट थ्री मिलियन टन हुआ है सी कोल प्रोडक्शन थर्मल पावर जनरेशन भी इतना हुआ है करस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस फिजकल के हिसाब से दैन दिस इज एफ पी आई अब देखो यहाँ प्राइमरली ये डेटा देखते हैं हम दिस इज यूक्रेन वॉर एंड द ग्लोबल फूड क्राइसिस वॉर जो होता है ये डेट्रीमेंटल होता है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए ये जो वॉर हो रहा है ये यूरोप की दो कंट्रीज हैं एक कंट्री है यूक्रेन और एक कंट्री है रशिया ये दोनों रशिया वैसे एशिया में भी आता है बट ये दोनों यूरोपियन कंट्रीज हैं ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली इनमें डिफरेंसेस रहे हैं। ये यूरोप की कंट्रीज़ पहले भी फाइट कर चुकी है वर्ल्ड वॉर वन में वर्ल्ड वॉर टू में और इसके बाद इन्होंने थर्टी फोर्टी फिफ्टी ईयर्स तक कोल्ड वॉर भी लड़ा था सो दीज आर दीज ऑल आर यूरोपियन कंट्रीज़ ये यूरोपियन कंट्रीज अब फिर से फाइट कर रही है फ़ाइट का रीज़न अगेन हो सकता है एप्रिहेंशन जैसे पहले एम्पीरियलिज़म होता था मेन्स हमने पढ़ा था वर्ल्ड वॉर वन क्यों हुआ तो ये जो इनके इंटरेस्ट हैं कंट्रीज़ के इंटरेस्ट है उसके उसके कारण यहां पे वॉर हो रहा है अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है यूरोप की दो कंट्रीज वॉर कर रही है एशिया परेशान है अफ्रीका परेशान है एवरीबडी इज द कॉस्ट। सो दिस इज डीपनिंग फूड शॉर्टेज हाई डिपेंडेंसी है अब ये जो एरिया होता है जैसे हमने पढ़ा था ये जो एरिया है टेम्परेट जोन है टेम्परेट जोन है मतलब यूक्रेन और रशिया का दिस एरिया यहां वीट प्रोडक्शन बहुत होता है देन बार्ले पे यहाँ पे डिपेंडेंसी है कॉर्न पे डिपेंडेंसी है तो बिकॉज जो ब्लैक सी है ब्लैक सी और यूक्रेन को एक्सेस कम होता जा रहा है सी का तो एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है रशिया वेपनाइज फूड ऐसा बोला दिस यूक्रेन का जो ब्लैक सी पोर्ट है उससे नहीं हो पा रहा है ऐसा चार्जेस लगा मॉस्को पे तो फूड क्राइसिस रियलिटी लग रहा है मेज वीट प्राइसेस इन्फ्लेशन हो रहा है सप्लाई साइड शॉक लग रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है देन जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम होता है जैसे अब इथियोपिया नाइजीरिया सूडान यमन ये यहाँ ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रेस है यहाँ की जो, जो, जो जोग्राफी है बहुत ड्राई एरिड है और यहाँ रहना बहुत मुश्किल है तो दैट तो इज़ वाई यहाँ पे ऑलरेडी फूड के लिए ये डिपेंडेंट होते हैं और फूड सप्लाई बंद हो गया यहाँ वैसे भी आप देखो साउथ सूडान एट्सट्रा यमन में फेमाइन के भी बहुत केसेज आते हैं भुखमरी सो दिस इज़ दैट इज़ वाई वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ दिस एंशियस तो रशिया यूक्रेन के कारण फाइट के कारण ये पूरा वर्ल्ड ऐसे सफ़र कर रहा है तो क्राइसिस अभी बिकॉज इसीलिए हो रहा है बिकॉज वॉर शेलिंग के कारण जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पॉसिबल नहीं हो रहा है यहाँ पे एवरीथिंग हैज़ गॉट डिस्टर्ब्ड तो दिस इज सी ब्लैक सी सी ओ फो यूक्रेनियन पोर्ट सिटी में पर्ल ऑफ द ब्लैक तो ये चीज़ें हैं डीपनिंग फूड शॉर्टेज अब इंडिया पे भी प्रेशराइज किया जा रहा था एक्सपोर्ट ऑफ वीट का बट इंडिया ने उसको फॉर टाइम बिंग उसमें थोड़ा केयरफुल इंडिया एक्ट कर रहा है द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म तो इट इज़ प्री मैच्योर इंडिया इज़ अ बिग कंट्री हमारा ह्यूज लेगेसी रहा है इंडिया में से इतनी पॉपुलेशन है इंडियन सेक्युलरिज्म का फ्यूचर दिस

इट इज़ अ सेट ऑफ़ कल्चर सेट ऑफ़ प्रैक्टिस सर्टन वे ऑफ लाइफ इन अगर वर्ल्ड की बात करें तो कुछ 7.2 बिलियन से ज़्यादा वर्ल्ड की पॉपुलेशन है एवरीबडी हर कोई रिलीजन फॉलो नहीं करता जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं वो एथिस्ट होती है जैसे चाइना हुआ चाइना में रिलीजन नहीं चलता है इतना अफ्रीका के बहुत सारे नेशनस देखो वहाँ पर रिलीजन नहीं चलता है इतना तो रिलीजन इज लाइक अ चॉइस रिलीजन इज़ लाइक अ चॉइस जो एक सेक्शन ऑफ दिस कल्चर प्रैक्टिस जो वो फॉलो करते हैं तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजनज हैं अब रिलीजन बिकॉज एक बहुत सेंटिमेंटल टॉपिक भी हो जाता है प्लस रिलीजन के साथ एसोशिएटेड होता है फेथ फेथ तो देट इज़ वाई जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जब आज़ाद हुआ देश तो हमने ये देखा बिकॉज इंडिया में बहुत सारे सेक्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड के कितने बड़े रिलीजन इंडिया से ही ओरिजिन हुए हैं जैसे कि बुद्धिज़्म हुआ जैनिज़्म हुआ सिखिज़म हुआ सो द पॉइंट इज इंडिया हमेशा से डे वन से इंडिया अकोमोडेटिव रहा है दिस इज़ आवर लेगेसी दिस इज़ आवर हिस्ट्री अब कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया सेक्युलरिज्म के दो एस्पेक्ट होते हैं एक होता है इंडिया का पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब जो जितने भी रिलीजन हैं उसमें ऐसा भी नहीं है कि जो स्टेट है वो एकदम कट कर लेगा रिलीजन से कि स्टेट इज़ डिफरेंट रिलीजन इज़ डिफरेंट और रिलीजन का कोई से नहीं होना चाहिए स्टेट में ऐसा सेक्युलरिज्म यूएसए में होता है इंडिया का ऐसा सेक्युलरिज्म था पॉजिटिव कि इंडिया कट भी नहीं करेगा सारे रिलीजन से बट एक सेफ डिस्टेंस रखेगा प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस करेगा और रिलीजन बेसिस पे किसी भी टाइप का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करेगा दैट इज़ बाय हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स है दे विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ तो दिस इज़ अवर लेगेसी दिस इज़ अवर लेगेसी तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म तो दिस इज़ देयर एंड दिस विल बी देयर सो दिस इज देयर, ओके सो दिस इज देयर इंडिपेंडेंट सेंट्रल बैंक एंड ये क्विज कुछ क्विज़ बहुत अच्छे आते हैं अब मैं इनको शेयर करना चालू कर दूंगा ये। जैसे ये जो था ना ओशियन का ये बड़ा अच्छा क्विज था मैंने इसको टेलीग्राम पे शेयर भी किया हैलोको अड ऑफ सुइंग खारीफ एम एस पी अब हम न्यूज पढ़ रहे हैं ना आप थ्री सिक्सटी डिग्री हर हर चीज़ के बारे में जानो डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखो क्योंकि मैं आपको पहले भी ये बताया हूँ एग्ज़ाम प्रिपरेशन होती है ये ऐसा नहीं है कि एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लिया और वही पूछ लिया जाएगा ये ईयर लॉन्ग प्रिपरेशन होती है आप ईयर लॉन्ग अपना करंट अफेयर्स टॉपिक सब अपडेट करते जाओ नई नई चीज़ें सीखते जाओ यू विल नेवर नो कहाँ से कौन सा सवाल पूछ लिया जाएगा और न्यूज़पेपर एक बहुत ट्राइड एंड टेस्टेड सेफ जरिया है इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने का अड ऑफ सोइंग खारिफ एम एस पी रिड्ड सी इस थर्टी मिनट के सेशन में इमेजिन हम कितनी वाइड रेंज कवर कर रहे हैं कितने वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स कर रहे हैं तो दिस इज़ अ वेरी एफिशियंट मैथड ओके ऑल यू हैव टू डू इज बी रेगुलर एंड पुट लिटिल एफर्ट फ्राम योर एंड अड ऑफ सोइंग ख़ारिफ एम एस पी रिवील्ड हो गया अभी जो ख़ारिफ क्रॉप होती है ना ये यह हमेशा यहाँ पर प्रॉब्लम रहती है ख़ारिफ में बिकॉज मानसून में वैगरीज आती है राबी क्रॉप ज़्यादा सेफ़ होती है जो क्रॉप लॉस होता है वो ख़ारिफ में ज़्यादा होता है

दैन मीडिया आउटलेट्स मजब भी मोर रेस्पांसिबल अब सी सारी गलती मीडिया आउटलेट पे डालना भी एक साइड ऑफ दिस पहलू है दूसरा साइड ये है कि व्यूवर्स आप देखते क्यों हो जब इतना प्रॉब्लम है मीडिया आउटलेट्स मज़ बी मोर रेस्पॉन्सिबल वाई यू आर कंज्यूमिंग सच टाइप ऑफ न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स मज़ बी मोर रेस्पॉन्सिबल बिकॉज यू नो मीडिया कैसे वर्क करता है मीडिया को चाहिए व्यूज़ मीडिया को चाहिए व्यूज़ तो वो व्यूज़ के लिए जो यूज़र देख रहा है ट्रेंड जिस टाइप का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद कर रहा है वही कंटेंट बढ़ेगा सो इन दी एंड हमको ये भी याद रखना है एज एन एंड यूज़र इट इज़ नॉट द सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की मीडिया की रेस्पॉन्सिबिलिटी है बट एट द सेम टाइम एंड यूज़र से भी सवाल पूछने चाहिए कि आप जस्ट लाइक दैट कैजुअली ऐसे जो फेक न्यूज़ होती है उसको क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं जो विट्रियोलिक कंटेंट है उसको क्यों शेयर कर रहे हैं प्रोफाइल्स में एवरीवेयर व्हाई मीडिया आउटलेट्स मस्ट बी मोर रेस्पॉन्सिबल एट द सेम टाइम एंड यूजर आल्सो शुड हैव सर्टेन डिग्री ऑफ सेंस की व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग एंड सम मेचोरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी तो बाकी मीडिया जो है वो तो रेस्पॉसिबल है ही एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने यहाँ पे बताया कि न्यूज चैनल्स डेलीबरेटली क्रिएटिंग सरकमस्टेंसेज दैट टारगेट वेबल दिस हेटरे टूवर्ड्स तो इसको भी चेक करना जरूरी है पॉज एंड टेक अ क्रिटिकल लुक एट वॉट दे हैव डन बाई गिविंग लेजिटिमेसी टू डिजिव एंड टॉक्सिक वॉइस दैट हैज मेड द गैप बिटवीन दिस अनब्रिचबल सो दिस इज दैट देन इंडिया ओपोज एनवायरमेंटल इंडेक्स रैंकिंग अब ये एक रैंकिंग आया अगेन ये जो रैंकिंग है ये याल कोलंबिया यूनिवर्सिटी की है अब प्रॉब्लम ये होता है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है एक तो इनमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है दूसरा इनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो इनके अकॉर्डिंग टिंकर्ड होते हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते तो ज़रूरी नहीं है कि इनके जो पैरामीटर्स हैं वो इंडिया के हिसाब से टेलर मेड है और ज़रूरी नहीं है कि इस इस इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया बेटर परफॉर्म तो, तो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इसके जो पैरामीटर्स हैं वो फ्लॉड एंड बायस बताए और दैट इज व्हाई इस रैंकिंग को डिस्कार्ड कर दिया लिव विद डिग्निटी अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डिग्निटी फूड स्टार्वेशन से डेथ नहीं होना चाहिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है सो so दैट इज व्हाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आई इससे क्या हुआ गरीब कल्याण योजना में जो बेनिफिशियरीज हैं उनको से राइस फूड जो बेसिक फूड होता है उसके लिए उनको लाइक like, उनकी डिग्निटी यहाँ पे मेंटेन किया गया तो दिस इज दैट इन द एयर ऑल पैक बट नो वीजा टू गो इंडिया वियतनाम अब वियतनाम देखो बहुत तेजी से उभर रहा है अब आप जितना इलेक्ट्रॉनिक्स देखो ज्यादातर आजकल वियतनाम में आता है शूज अपने देखो मेड कहाँ पे है वियतनाम ज्यादा है वियतनाम इज डूइंग रियली रियली वेल अब इंडिया एक ह्यूज मार्केट है वियतनाम तो इंडिया वियतनाम के अच्छे रिलेशन पहले भी रहे अभी इसको और आगे बढ़ाने की बात है म्यूचुअल अग्रीमेंट की बात है तो डिफेंस मिनिस्टर साहब का ये विजिट हुआ और यहाँ पर जो लॉजिस्टिक्स अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है बिकॉज ये फैसिलिटेट करता है मिलिट्री को काम करना है बट उसके लिए फौज को फ्यूल की जरूरत पड़ेगी प्रोविजन की जरूरत पड़ेगी लॉजिस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी सपोर्ट की ऑपरेशनल टर्न अराउंड को बेटर करने के लिए तो ये होता है लॉजिस्टिक्स लॉजिस्टिक्स अक्सर हम देखते हैं मीडिया मूवीज एटसेट्रा में तो हम केवल एक साइड ऑफ स्टोरी देखते हैं कि वहां पे सोल्जर फौज जाके ऐसा कर रही है बट उसके पीछे बैकग्राउंड पे हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल होते हैं टायरलेसली डे नाइट वर्क करते हैं तब जाके वो मिशन सक्सेसफुल होता है मिशन सक्सेसफुल होता है ओके okay? इवन जो प्लेन्स फाइटर प्लेन्स वगैरह भी होते हैं ना इनको कॉन्टिन्यूसली इनपुट्स जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है वो प्रोवाइड करते रहते हैं कि वॉट टू डू

USA के साथ एक्चुअली तीन फाउंडेशनल साइन हो चुके हैं हैं आंसर कौन से हैं? जैसे हुआ ना ऐसे तो, okay. really किलोमीटर रोड बनाया केवल 105 घंटे 33 मिनट में दिस इज रियली गुड अचीवमेंट रोड्स ट्रांसपोर्टेशन होता है रोड्स जो होती है ये लाइफलाइन लाइफ है आर्टिलरी है दिस, आर्टरीज है नॉट आर्टिलरी आर्टरीज है ये आर्टरीज मतलब जो ब्लड कैरी करता है इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन आर्टिलरी तो वो शेलिंग होता है दिस इज आर्टरीज तो ये जो हाईवेज है ये हाईवेज लाइफ लाइन होती है तो दैट इज वाई जहां भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना है दिस इज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कनेक्टिविटी वहां पे प्रॉपर करें रोड की रेलवेज की ट्रांसपोर्टेशन की ओके नो दिस इज वेरी नॉन सेंस दिस दिस इज़ वेरी पेनफुल एंड रॉन्ग थिंग द आइडिया इज अगेन की दिस जो अभी कल्चर हम जनरेट कर रहे हैं कि यंगस्टर्स भी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं इमिजिएटली डिसीजनस एट्सेट्रा हो रहा है दिस दिस थिंग वी नीड टू वी नीड टू लुक आफ्टर दिस और इसके लिए जो मीडिया है जो कॉन्टेंट हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं उधर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत ज़रूरी है रशिया बैक्स यूक्रेन ग्रीन एक्सपोर्ट्स प्लान विलिंग टू वर्क विद इंडिया टू हेल्प श्रीलंका चाइना ने कहा प्रॉब्लम भी चाइना नहीं किया डेट ट्रैप देन सिक्योरिटी थ्रेड्स इन चाइना रिवॉर्ड है और दिस इज इंडियन इकोनॉमी वेल प्लेस्ड है डील विद चैलेंजेस बेंच मार्क रेट प्री पैंडमिक लेवल पर आ गई हैिवर्स रेपो, रेपो अभी और बढ़ने वाली है बिल्डर्स को फिर से डिमांड दिख रही है अथॉरिटीज कर्ब करने में लगी है इन्फ्लेशन रूपी फिजिकल बैलेंस भी प्राइरिटी है

Then this is the Hindu newspaper. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.